to the state, sir. Thank you very much. Thank you, Vasanth. Support this bill, sir. Next speaker, Shri Rakesh Sinha ji. सभापति महोदय, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी राज्य में यदि सरकारें प्रगतिशील बजट बनाती हैं और जन पक्षधर बजट बनाती हैं, तो उस राज्य में सचमुच में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचता है। सरकारें काम तो करती हैं, बजट तो बनता है, लेकिन जब भी जन पक्षधरता बजट के केंद्र बिंदु में नहीं होता है, तो बजट का लाभ उस आम आदमी तक नहीं पहुंचता है जो इस गणतंत्र का हिस्सा है। हमने 1950 से निरंतर देखा है, बजटें बनी हैं, सरकारों ने गरीब कल्याण और गांव के कल्याण की बात कही है, लेकिन गांव गरीब की स्थिति वही रही है जो हमने 2014 में उस क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को, राज्य के कल्याणकारी राज्य को सबस्टांसिव कल्याणकारी राज्य बनाया, वो सिंबॉलिक कल्याणकारी राज्य था जिसमें कल्याण की घोषणाएं तो होती थी, लेकिन उस कल्याण का लाभ उनके तक नहीं पहुंचता था जिनके लिए राज्य घोषणाएं करती थी। नारों से कल्याणकारी राज्य नहीं चलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इतिहास की तुलना नहीं करते हुए 2014 से लेकर 2021 तक सरकार ने जो किया वो जनता के सामने है, लेकिन अभी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। गरीबों के लिए खाद्य पदार्थ मिलना, गरीबों के घर में अनाज पहुंचना और अनाज पहुंचाना, सरकार ने इसको अपना एक संवैधानिक नहीं एक नैतिक कर्तव्य बोध माना है। मार्च 2022 तक उन गरीबों तक अनाज, मुफ्त अनाज पहुंचेगा, ये उनका हक था। उस हक को हमने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस हक को उन गरीबों तक दिया, मार्च 2022 तक उसको एक्सटेंड किया। उस पर लगभग 22,038 करोड़ रुपया सरकार उसके लिए खर्च कर रही है, उनके हक को देने के लिए 22,000 करोड़ रुपया उन पर खर्च कर रही है। मैंने गांव और गरीब की बात कही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का रेट बढ़ रहा है, हमारे विपक्ष के साथ ही नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि WTO ने किस प्रकार से फर्टिलाइजर के सब्सिडीज पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है, यह हस्तक्षेप सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उन सभी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो WTO पर उन लोगों का नियंत्रण है, जो जिस नियंत्रण के कारण गांव और गरीब को किसी भी प्रकार का सब्सिडी नहीं मिले, एक प्रकार का एक षड्यंत्र चलता है। गांव और गरीब हाशिए के लोगों को और हाशिए तक रखा जाए, गरीब को गरीब बनाकर रखा जाए, किसानों की स्थिति बदतर हो जाए, यह एक षड्यंत्र चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बढ़ते हुए ग्लोबल प्राइस के बीच में आम किसान तक खाद पहुंचे, उन्हें उचित मूल्य पर खाद मिले, कृषि की प्राथमिकता हो, किसानों को इस केंद्र में रखकर 58,430 करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। किसानों के फर्टिलाइजर पर 58,430 करोड़ का सब्सिडी देना, यह भारत के किसानों के हित में उठाया गया ऐसा कदम है जिसका कोई समानांतर पिछले के दशकों में नहीं मिलता है। किसान खाद्य के लिए, पानी के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से तरसते रहे और सरकार एक सांकेतिक घोषणाएं करती रही, उसका यह उदाहरण है कि हम सिंबॉलिक नहीं सबस्टांसिव काम करते हैं। तीसरा मैं एक उदाहरण दूंगा, मनरेगा को हमने एक्सटेंड किया। मनरेगा इस प्रतिकूल परिस्थितियां में जब COVID-19 के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चरमराई है और उस चरमराई व्यवस्था में सबसे बुरा असर हाशिए के लोगों को होता है। जब व्यवस्था में, जब चलने में छेद होता है, तो उसका असर किस पर होगा? जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में उन गरीबों के हित के लिए जो कदम उठाया है, उसका एक उदाहरण है मनरेगा पर 22,038 करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है, जहां गरीब कल्याण योजना पर 49,000 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 58,000 करोड़, मनरेगा पर 22,000 करोड़। इससे मैं अंत में कहना चाहता हूं, प्रगतिशीलता सिर्फ नारों का शब्द नहीं होता है, जन पक्षधरता सिर्फ भाषणों का नहीं होता है, और लोक कल्याण सिर्फ संवैधानिक शब्द नहीं होता है। ये शब्द, ये नारे
जब जमीन पर उतारा जाता है इसके लिए ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसमें दृष्टि हो, जिसमें जनता के लिए संवेदनशीलता हो। इस संवेदनशीलता के साथ एक समानता मूलक समाज बनाने के लिए जो हम प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि सरकार एक जन पक्षधर नीतियों के साथ बजट बना रही है। इस अप्रोप्रिएशन बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश सिन्हा जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री अयोध्या।